नमस्कार, मैं सचवत अब्बास। चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। पुलिस चाहे तो अपराधियों को मिनटों में धर दबोच सकती है, इस कहावत की वानगी दरभंगा में देखने को मिली, जहां सेमी थाना क्षेत्र में लूटकांड की घटना में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 28 नवंबर को पतोर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील कुमार मिश्रा सुबह 5:30 बजे अपने भांजे के साथ रामपुरा से अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। वहीं सिमरी थाना क्षेत्र के NH-57 पर कमरपट्टी के पास एक सफेद रंग की कार में सवार अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर मोटरसाइकिल सवार की चाबी समेत 10,000 नकद, मोबाइल, ATM कार्ड लूट लिया, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने के दिशा निर्देश पर सिमरी थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारियों की मदद से अपराधियों को धर दबोचा गया है। अपराधियों के पास 10 मोबाइल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1 चाकू, 6 मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी और 11,000 रुपए नकद प्राप्त हुए। ये पीसी इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है कि NH-57 पर 28 नवंबर को एक सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है, जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को, जो बाइक से जा रहे थे, इन्होंने एक I-20 व्हाइट सफेद कलर की I-20 कार है उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये, ATM, मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया सिमरी थाने में, जिसकी कांड संख्या है 232/22 जिसके लिए PC ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सिमरी SHO और इनकी थाने की टीम और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की, उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH-57 पर ही कालका हवेली, एक भाई होटल है उसके आसपास, इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल के साथ और एक लाइव बुलेट के साथ, बहुत सारी चाबियों के साथ। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है ये भी जांच की जा रही है, इस पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है। विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं, अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, आना जाना हो रहा था, कई सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। चारों का या एक? चारों ही ऐसे ज्ञान काम कर रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से साहेबगंज के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर। घटना कब की है, कितने दिन बाद गिरफ्तारी हुई है? घटना 28 नवंबर की है, गिरफ्तारी 1 दिसंबर की है। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है? बताया गया ना, बरामदगी में एक पिस्टल है, 3 लाइफ, 3 जिंदा कारतूस हैं, 1 चाकू है, 10 मोबाइल्स हैं, लगभग 7-8 चाबियाँ हैं विभिन्न गाड़ियों की, और इनके द्वारा बतलाया भी गया है कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने मुहैया कराई थी, विभिन्न थानों से केस दर्ज है उन मामलों में मोबाइल लूट की। सर कई चाबियाँ हैं तो क्या गाड़ियाँ भी कई तरह के बरामद हुई है अभी तक? नहीं, गाड़ियाँ बरामद नहीं हुई, उसकी जाँच जारी। जिस कार से ये लोग लूट किए हैं वो कार बरामद नहीं किया? जी, कार भी बरामद हुई है, कार में ही जा रहे थे, कार में ही। क्या कार इन्हीं की है या किसी और की है, या वो भी चोरी की है? इस पर जाँच चल रही है। कार में सिर्फ सामने नंबर प्लेट है, वाइट I-20 है और पीछे की तरफ नंबर प्लेट भी नहीं है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? देखिए, फिलहाल तो इतना लग ही रहा है कि इनका अंतर जिला गिरोह है, विशेष पूछताछ की जाएगी। अभी तक तो कुछ नहीं बताया, बाकी सिमरी थाना के पूछताछ कर रहे हैं, बाकी इनके मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। सर, इनके मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। सर, इस चंडी से सोहन से एक जो रूट है, इस रूट में लगातार चोरियाँ हो रही हैं, इस चीज़ को भी गौर से देखा जाए तो, और कई बार इस तरह से PC भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, क्या इस रूट पर लगातार कोई गश्ती नहीं हो रही? क्या नहीं गश्ती हो रही? देखिए, गश्ती का नतीजा है कि मात्र लूट के 2 दिनों के बाद इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। गश्ती हो रही है और उस पर ज़्यादा सघन किया जाएगा, ठंडी के दिनों में और भी ज़्यादा किया जाएगा।